अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नीलम गुलहान और आप रहे हमारे साथ हमारे गुल किचन में। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कैरी का शरबत और साथ में आपको मैंगो पन्ना बनाना सिखाऊंगी। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। चीनी हमने ली है 1 किलो, सिरका इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून और कैरी जो ली है मैंने वो ली है 1 किलो। ये कटिंग करके बॉईल करके छिलका उतार के जो है ना 1 किलो है, ठीक है। और इसमें जाएगी टार्ट्रिक और पिंक सॉल्ट, जिसे रॉक सॉल्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ कहते हैं। तो जो हमने साथ में मैंगो पन्ना बनाना है वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी, अभी सिर्फ आपको कैरी के शरबत का बता रही हूँ। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कैरी को मैंने छील के इसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। आपने भी क्या करना है, इसको बॉईल करने के बाद इसको ठंडा करके हम इसे ब्लेंडर में डालेंगे और अच्छा सा इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब इसे मैं ब्लेंडर में डालूंगी। अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी। ये मैंने अच्छे से ब्लेंड किया और ये देखें स्मूथ हो गया ये। आप इसको छलनी में इस पॉइंट पे आके छलनी में इसको छान भी सकते हैं और अगर ना भी छाने तो कोई मसला नहीं। अब हम इसे एक देगची में डालेंगे। देगची मैंने चूल्हे पे रखी है। अब मैं ये सारा पल्प इसमें ऐड कर दूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। और इसे आप अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा कैरी का खट्टा मीठा जूस रेडी होगा। आप इसे जूस कह लें, शरबत कह लें। अब इसे हमने इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा गहरा हो जाए। इसमें मैं पानी ऐड करूंगी तकरीबन 2 गिलास। ये मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया है। अब ये अच्छे से चीनी के साथ पकेगा। तकरीबन हम इसे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये आपने साथ साथ में इसके थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह से चम्मच हिलाते जाना ये स्पैचुला की मदद से, क्योंकि इसका ये पैंदे में ना लग जाए देगची के, इसलिए। अब इसमें ये उबाल आ रहा है तो फ्लेम हमने मीडियम कर देना है और इस पॉइंट पे हम इसमें टार्ट्रिक डालेंगे और रॉक सॉल्ट। साथ में हम इसके रेगुलर नमक 1 टीस्पून ये भी ऐड कर देंगे और सिरका इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मजीद हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। ये बहुत जल्द बन जाता है। 10 मिनट हो चुके हैं इसको। अब मैं इसे ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें। अब मजीद हमने इसको थोड़ा सा और गहरा करना है। अब मजीद इसको थोड़ा सा और हम डेंस करेंगे। ये देखें, इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट हम और जो है ना पकाएंगे और जैसे ही ये गहरा होगा फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं।
देखें ये इतना रिड्यूस हो चुका है और जितना हमें चाहिए था डेंस उतना ये डेंस हो चुका है। ये देखें अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और आपको बनाना सिखाते हैं अब मैंगो पन्ना। आधा मैंने निकाल लिया है कैरी का पल्प इसमें और अब मैं आपको मैंगो पन्ना बनाना सिखाती हूँ। इसमें जाएगा एक प्याली पुदीना, ये होंगे। अब इसके मैं स्पाइसेस आपको बताऊं, हाफ टेबल स्पून भुना कुटा जीरा और 1/4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। नमक मैं इसमें ऑलरेडी डाल चुकी हूँ तो अब ये भी सब कुछ ब्लेंडर में जाएगा और अब मैं इसमें जो मैंने आधा निकाला था जग वो डाल दूंगी। इसको मैंने ठंडा कर लिया, आप भी पहले इसे ठंडा कर लीजिएगा। अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी। ये ब्लेंड हो चुका है अच्छे से, अब मैं इसे वापस जग में डालूंगी इस तरह से। अब मैं ये आपको बनाना सिखाती हूँ। दो ग्लास लिए मैंने, अब मैं इसमें आइस क्यूब डालूंगी। एक में हम बनाएंगे मैंगो पन्ना और एक में हम बनाएंगे कैरी का शरबत। अब मैं इसमें मैंगो पन्ना हम इसमें डालेंगे 1/2 कप, 1/2 कप डाल दिया। अब इसमें मैं ये डालूंगी ठंडा पानी। अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको इसमें मीठा कम लगे तो आप ये मज़ीद बीच में ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर आपने हाल ही मैंगो पन्ना बनाना है तो जिस तरह से मैंने आपको कैरी बनाने का तरीका, कैरी का शरबत बनाने का तरीका बताया, आपने सब कुछ ब्लेंड करके कैरियों के साथ ही तो उसको पका लेना है मैंगो पन्ना को। और इसका एक ये भी तरीका है, दूसरा इसका यह भी है कि अगर आपके पास हाल ही कैरी का शरबत बना हुआ है तो आप ये अलग से बना के थोड़ा सा निकाल के तो यूं भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हम वो सिंपल वाला बनाते हैं। अब इसमें मैंने हाल ही कैरी का शरबत डाला, कैरी का पल्प डाला है और ये अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप दोनों के कलर्स देख लें। हमारा कैरी का शरबत और मैंगो पन्ना दोनों रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।